यहाँ पर हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक स्टेटमेंट जो है किस तरह से काम करती है। इफ स्टेटमेंट बेसिकली एक कंडीशनल लॉजिक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी फंक्शन है और इसका काम होता है, ये हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं टू मेक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब प्रोग्राम को ये इख्तियार देना कि आइदर वो किस कंडीशन में क्या काम करता है। इसकी मिसाल को हम यूं समझेंगे, एक हमने शीट बनाई थी मंथली पेरोल शीट, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हमने एक्सेल के अंदर चले गए और यहाँ पे मंथली पेरोल शीट पर चले गए। इस शीट की एक एग्जाम्पल में तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लोन स्टेटस का, ठीक है, और लोन स्टेटस में करना यह है कि अगर किसी ने लोन दिया है तो ये वाला फंक्शन अप्लाई हो उसके ऊपर और उसकी किस्त हो जाए, और अगर उसका स्टेटस यहाँ पर आ रहा है नो, तो इट मींस कि ये कैलकुलेट ही ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अब तक जो हमने सीखा है। वजूहात वजूहात बड़ी क्लियर है। देखें, अगर आप यहाँ पे कहते हैं सम सम इज द फंक्शन और आप कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो हो गया, और जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे या वहां वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ये ऑटो अपडेट होता चला जाएगा। सही, हम इसको रोक नहीं सकते। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई देखो, अगर मैं यस करूँ तो तुम ये कैलकुलेट करो, अगर मैं कहूँ नो तो तुम ये कैलकुलेट ना करो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी जो फंक्शन काम कर रहा है एक्सेल के अंदर, वो डू एंड डाई की कंडीशन में काम कर रहा है। इन ऑल कंडीशन इट परफॉर्म्स डू। सही, किसी भी कंडीशन में ये फंक्शन रुक नहीं सकता। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन जो काम हम करना चाह रहे हैं उसमें हम यही चाह रहे हैं कि इस फंक्शन को ऑल कंडीशन में परफॉर्म ना करें, किसी एक कंडीशन में परफॉर्म करें। अब कंडीशन कितनी है? कंडीशन दो है हमारे पास, यस और नो। जब हम यस करें तो परफॉर्म, जब नो करें तो नहीं परफॉर्म। इस कंट्रोल को बनाने के लिए, मतलब फॉर्मूला तो हमें लगाना आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले को कंट्रोल करने के लिए एक और फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका सेंटेक्स देखते हैं, ये कैसे लिखा जाता है। सेंटेक्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, लिखने का तरीका। सबसे पहले इक्वल टू लिखना लगाना है साइन इफ, और यहां पे बतानी है कंडीशन। कंडीशन के दो पहलू हैं, एक है ट्रू एक है फॉल्स। मतलब इफ कंडीशन ट्रू तो यहां पे लिखा जाने वाला कोड परफॉर्म होगा, ये नहीं होगा। इफ कंडीशन गॉन फॉल्स तो ये वाला कोड परफॉर्म होगा, यहां जो कोड लिखा होगा परफॉर्म। इसको अगर हम बाइनरी में समझें तो ट्रू मीन्स वन एंड फॉल्स मीन्स जीरो। ठीक है, कंडीशन लगाने के लिए हमें कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए जो यूजुअली मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ये कंडीशंस हमने पढ़ रखे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन एक्सेल में भी इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ये सिंगल कंडीशन टेस्ट है, यूनरी है, और ये बाइनरी है, मतलब दो का डबल कंडीशन टेस्ट करते हैं, ग्रेटर देन भी हो या इक्वल टू।
सिमिलरली लेस देन हो या इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, सही। अब एक्सेल को कैसे समझाएं ये जो काम हमें करना है इसके बारे में। सबसे पहले फॉर्मूला आपने लगा लेना है, लगा लिया फॉर्मूले को, अपडेट भी कर लें कि यहाँ पे क्या ब्लॉक करना है हमें, यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे रो, कॉलम और रो को फिक्स भी कर लिया, सही। यहाँ पर यस नो को डेटा लिस्ट, डेटा मैनेज से कर लेंगे आप, फिलहाल यस पे रखें। यहां पर आए, फॉर्मूला लगाना है हमें, अभी क्या लगाना है उससे पहले डिसाइड करते हैं। जब हम कंडीशन टेस्ट करेंगे तो कंडीशन टेस्ट में दो चीजें आएंगी, वो चीजें क्या होंगी, या तो जिसको टेस्ट कर रहे हैं, एक होगा टेस्ट एक होगा रिजल्ट, और टेस्ट और रिजल्ट में दोनों में दो ही बातें होंगी, वेदर टेस्ट हो या रिजल्ट हो, या तो आप टेस्ट करेंगे नंबर को और रिजल्ट में भी नंबर लेंगे, या तो आप टेस्ट करेंगे टेक्स्ट को और रिजल्ट भी टेक्स्ट में लेंगे, या तो आप टेस्ट करेंगे नंबर को और रिजल्ट टेक्स्ट में लेंगे, या तो आप टेस्ट करेंगे टेक्स्ट को और रिजल्ट नंबर में लेंगे। जैसे अगर कंडीशन है दो बराबर है दो के, तो आंसर चार आ जाए, इस तरह से। अगर यस है तो यहाँ पे एलिजिबल लिखा हुआ आ जाए, इसी तरह से। अगर टू है तो यहाँ पे मेल लिखा हुआ आ जाए, इसी तरह से। यहाँ मेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे टू आ जाए। बस इसमें समझना ये है, नंबर लिखा जाएगा डायरेक्टली, कोई भी नंबर डायरेक्टली, लेकिन टेक्स्ट लिखा जाएगा इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, वेदर वो टेस्ट कंडीशन की जाए या रिजल्ट में, वो किस में लिखा जाएगा, डबल कोट्स में, जो भी टेक्स्ट होगा, सही है। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। अब आए यहां पे लगाते हैं इसको, कंडीशन को। ओके, ये फॉर्मूला अपनी जगह पे लगा रहेगा, इससे पहले हमें लगाना है इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, ये इसके ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, उसका लॉजिकल टेस्ट आ रहा है। तेरा क्या टेस्ट करूं, हमने कहा भाई इसको टेस्ट करो, इसने कहा ओके क्या टेस्ट करूं, इसके लिए तो मैंने डायरेक्टली लिखा इफ एल एट, एल एट का मतलब है एल एट सेल, अगर उसकी वैल्यू इक्वल है किसके, यस के, किसके, यस के, तो ये फॉर्मूला रन होना चाहिए। अब यस नंबर है या टेक्स्ट है, तो कंडीशन टेस्ट हमने करनी है टेक्स्ट के साथ डबल कोट्स, और उसमें क्या लिख दिया, यस। अब कह रहा है, हमने कहा इफ एल एट की वैल्यू इक्वल है, जो कि डबल कोट में वाई ई एस लिखा हुआ है, कंप्यूटर डजंट नो वाई ई एस क्या होता है, वो वाई ई एस को कंपेयर करेगा एल एट के साथ, अगर कंपेयर हो जाए कॉमा, तो ये फॉर्मूला रन कर दो। देखो लिखा है वैल्यू इज ट्रू, तो ये फॉर्मूला क्या करो, रन कर दो, तो रन करेगा तो वही आंसर आएगा जो आ रहा था। अच्छा आगे कह रहा है वैल्यू इज फॉल्स, तो ये पहला वाला कॉमा था ट्रू के लिए, ये जितना बड़ा फॉर्मूला है लिख दो, अब फॉल्स का बताना है एंड पे जाके कॉमा, कह रहा है इफ वैल्यू फॉल्स जीरो कर दो। एक आंसर हमने फॉर्मूले के बिहाफ पे लिया, उस पर कोई डबल कोट्स नहीं लगानी, एक आंसर हमने नंबर के बिहाफ पे लिया, उस पर भी कोई डबल कोट्स नहीं लगानी। हाँ, यहां पर अगर आंसर ले रहे होते हम स्ट्रिंग में या टेक्स्ट में या यहां ले रहे होते तो डबल कोट्स में लेना पड़ता, ब्रैकेट्स ओवर कर दिया, ये इसका ब्रैकेट ओवर हो गया, ये सम हो गया, इंटर सॉल्व हो गया, लेट्स ट्राई, नो सही है, तो कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ड्रैग, हो गया ड्रैग। अब यूजुअली जिसने लोन लिया है
जिसने लोन लिया है वो किस्त देगा, इसने भी लिया है, इसने नहीं लिया, इसने नहीं लिया, इसने लिया है, तो जिसने लोन लिया है वो किस्त देगा और जिसने लोन नहीं लिया वो किस्त। आ गई बात समझ में? और बताऊं ये काफी इतना? बस बस बता दूं? नहीं, अब आगे डाइजेस्ट भी कर सको ना। ओके, अब यहां पर आ गए बेसिक सैलरी पे। सबको एक जैसा ही अलाउंस मिल रहा है, सबको हाउस रेंट, ट्रेवल, एजुकेशन, चलो टैक्स पर आ जाते हैं, सबको एक जैसा ही टैक्स देना पड़ रहा है। जो टैक्स देना पड़ रहा है वो इक्वल देना पड़ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये कहती है टैक्स जिसकी सैलरी 12,000 बेसिक सैलरी 12,000 ये इक्वल है या बराबर है वो टैक्स पे करेगा 5%, और जिसकी सैलरी 12,000 से कम है वो टैक्स पे करेगा 0%, नहीं पे करेगा। जिसकी सैलरी 25,000 से ऊपर है वो टैक्स पे करेगा 7%, जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, अब वो जितनी भी है फिर या बराबर है, वो टैक्स पे करेगा 12%। अगर ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं दो पॉइंट हटा देता हूँ, दैट्स ऑल। जिसकी सैलरी 12,000 है या उससे कम है वो टैक्स नहीं देगा, जिसकी सैलरी 12,000 से ऊपर है तो मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ वैल्यू को, 20,000 से ऊपर है और 20,000 से कम है, दो सूरतें हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पर टैक्स सबको देना है तो पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे, सम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर फॉर्मूला ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा तो खत्म हो जाना है इसका, क्योंकि सबका 20% तो लगना ही नहीं है। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा? इक्वल टू इफ स्टार्ट ब्रैकेट, अगर इस सेल की वैल्यू जो कि कौन सा है CH ग्रेटर है किससे, 20,000 ग्रेटर है या ग्रेटर है या इक्वल है, डबल कंडीशन लगेगी, तो टैक्स कितना देगा ये? फिर लगाएंगे फॉर्मूला, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय ठीक है 20%, ओके, अदरवाइज ये टैक्स पे नहीं करेगा। और फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला तो यहीं पर ही है, एंटर कर देते हैं, आंसर जीरो हो गया, सैलरी इसकी 12,000 है, ड्रैग करते हैं। तो जिसकी सैलरी 21,000 है क्या वो टैक्स दे रहा है? दे रहा है, सही है। हाँ, हमने यहाँ पे खत्म किया था 20%, इस सूरत में हम यहाँ पे 20% ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ही रेशो है टैक्स का, तो यहाँ पर 20% डायरेक्ट लिखने के बजाय सेल का रेफरेंस दे दें और इसको यहाँ पर डॉलर लगा दें और इसको यहाँ पे डॉलर लगा दें ताकि ड्रैग करने में अब भी मसला हल हो जाएगा। जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है या 20,000 है वो टैक्स भर रहे हैं 20%, जिनकी नहीं है उनको टैक्स नहीं लग रहा। यहां पर सैलरी बढ़ा दे इसकी 20,000 कर दे तो देखें यहां पर टैक्स लग जाएगा। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, जीरो ले रहे हैं ना, तो हम यहां पे लिखवा दें नो टैक्स कॉमा जीरो के बजाय डबल कोट्स में आंसर को नो टैक्स,
राइट। ठीक है,